हेलो एवरीवन, भाई स्वागत है आप सभी का मेरे व्लॉग्स में। और आज जो है मैं अपनी लाइफ स्टोरी बता रही हूँ, थोड़ी सी ज़्यादा तो मैं आपको फिर कभी डिटेल में बताऊँगी, तो थोड़ी मोटी मोटी बता देती हूँ। तो भाई जैसे हम पैदा हुए, अपने पैदा तो हम गांव में हुए थे, और रजनी दीदी जो थी गाँव में ही रहती थी पहले, और मेरे को छोटी सी को जो है मेरे मामा के घर पर ले आए थे। तो मैं बचपन से सोनीपत में ही रही हूँ, जो मेरी सारी मेमोरीज़ वगैरह हैं बस मेरे को इतना याद है। कई बार पापा गांव मतलब यहाँ पे आते थे ना, जैसे सोनीपत आते थे गांव से, तो मेरे को ले जाते थे ज़िद कर करके कि भाई ज्योति को भी लेके जाऊँगा मैं। और फिर घर पे हम होते थे तो घर पे सारे इकट्ठे बहुत अच्छा लगता था। मम्मी जैसे सुबह अपना दूध चाय बना के बड़े की मतलब पापा और मम्मी तो चाय पीते थे और हमारा दूध बना के, और हम तीनों बहनों को उठाते थे तब, और फिर खेत में चले जाते थे। वो मतलब उनका रूटीन यही था कि सुबह अपना खेत में जाना है, दोपहर तक घर आते थे, फिर वो अपना भैंसों वगैरह का काम हो जाता था काफ़ी। मतलब इतनी सुबह का तो याद नहीं कि सुबह बिल्कुल वो अर्ली मॉर्निंग वाली धार वाला टाइम हमें ऐसे उठाते थे, वो 8 बजे के तकरीबन छुट्टियों में जाती थी क्योंकि मैं तो, और मेरे को उसी टाइम का याद रहता है। तो मैंने अपने पापा को देखा हुआ है, बहुत बढ़िया थे और बहुत स्मार्ट थे। मेरे को कहते हैं मतलब मेरी शक्ल जो है ना, मतलब मेरा फेस लुक्स और मतलब मेरे फेस के फीचर जो है, मैं बिल्कुल अपने पापा पे लगती हूँ। और ऐसा ही मेरा गेहूँ सा रंग है भाई पापा की तरह, मतलब साफ रंग तो है नहीं मेरा, सांवले रंग में आता है मेरा। तो स्किन टोन जो है पापा की भी सांवली थी और हाइट पापा की बहुत अच्छी थी। तो उस टाइम पे पापा बहुत स्मार्ट थे, और फोटोज़ वगैरह भी है मेरे पे, तो कभी दिखाऊंगी बहुत जल्दी। अभी उनकी भी फ़ोटो दिखाती हूँ अपने पापा की। तो आपको और बताऊँ तो भाई, जैसे मैं बचपन से सोनीपत में रही थी, तो मेरी स्टडीज़ वगैरह वहीं पे हुई है सोनीपत में ही। और जैसे अपनी मेरी ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन नहीं है, मतलब कि भाई हायर हो, जैसे जितनी हमारे में पूजा पढ़ी लिखी है, हम मेरी और रजनी की बहुत कम है उसके मुकाबले। तो पहले जैसे मैं सोनीपत थी, वहाँ पे मैंने 12th ही करी थी, और 12th में भी मेरी री आ गई थी एक सब्जेक्ट में, क्योंकि मेरे को नॉन मेडिकल दिलवा रखा था और मेरे को इंटरेस्ट था ज़्यादा मेडिकल में, तो फिर एक सब्जेक्ट मेरा री का रह गया था उस टाइम पे। मतलब हो जाता है कई बार घर पे आपका सरकमस्टांस ऐसा कि भाई नहीं पढ़ पाए, तो एक और ऊपर से ना मेरी पढ़ने की इतनी गंदी आदत थी, पहले ट्यूशन भी थे मतलब तीन तीन सब्जेक्टों के ट्यूशन, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों के ही ट्यूशन थे, पर फिर भी कह लो एक सब्जेक्ट मेरी ही रह गई। केमिस्ट्री मेरी थोड़ी वीक थी तो केमिस्ट्री में ही रही थी खैर, और फिजिक्स मेरा फेवरेट था। मैथ्स में मेरे को इंटरेस्ट इतना नहीं था, पर यूँ था कि मैं मैथ्स को कर लेती थी, और वहाँ पे शेड्यूल इतना हेक्टिक था कि भाई स्कूल जाओ, स्कूल जाने से पहले एक ट्यूशन, स्कूल से आने के बाद 2 ट्यूशन, फिर आके स्कूल का भी वर्क हो जाता था। तो बहुत मतलब इतने ज़्यादा भी ट्यूशन नहीं होना चाहिए, मेरे को खुद पर्सनली ये लगता है। एक ट्यूशन अगर सब्जेक्ट का ही ऐसा लगे ना कि अगर आपका एक ही वीक है तो एक का ही लगाओ, ज़्यादा का उसमें करने से ना ओवर हो जाता है बंदा। और पढ़ाई मेरी, मेरे को खुद पर्सनली लगता है कि मैं पढ़ने में अच्छी हूँ, और स्कूल वाले भी मेरे काफ़ी अच्छे, मतलब नंबर इतने वो नहीं थे कि नंबर बहुत ख़राब आते थे, नंबर बढ़िया आते थे। पर मैं जब भी पढ़ती थी ना, ऐसे टाइम पे पढ़ती थी पेपर से 2 दिन रह रखे हों तब मैंने पढ़ाई, मतलब होता है ना बुक्स उठा के चालू करना कि भाई बस पेपर सिर पे आ गए अब पढ़ लो, तो वहाँ से मैंने अपनी स्टडीज़ उस टाइम पे मतलब ऐसी ही थी मेरी। और अभी तक भी शायद मेरी आदत ऐसी ही है कि अगर मेरे को कुछ लर्न करना हो तो मैं बिल्कुल, कहते हैं ना आखिरी टाइम पे बंदा सोचे चल अब कर लेते थोड़ी गौर, वो वाला सीन रहता है। इतनी मैं खास मतलब ज़्यादा टेंशन नहीं देती थी, वरना कि रेगुलर बेसिस पे भाई किताब भी कीड़ा, वो चीज़ मेरे बस की नहीं था। और फिर भाई 12th में जैसे मेरी एक री रह गई थी, उसी टाइम पे मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, तो घर पे कुछ प्रॉब्लम थी तो मैं मम्मी के पास चली गई। भाई मम्मी अकेली थी, मम्मी को देखने का था, और मम्मी सोनीपत नहीं आकर रुकना पसंद करती थी, तो मैं उनकी देखभाल के लिए मैं मम्मी के पास रोहतक चली गई थी। रोहतक में मम्मी शहर में ही रहती थी, काफ़ी टाइम से मम्मी गांव में भी नहीं रहती थी, 5-6 साल पहले मम्मी ने गांव भी छोड़ दिया था, या पता नहीं 7-8 साल हो गए थे, काफ़ी टाइम हो गया था। मतलब जहाँ तक मेरे को याद है ना, मेरे आगे भी और मेरे आगे मम्मी 4-5 साल तो रोहतक रही हैं। फिर भाई वहाँ आने के बाद क्या करूँ क्या करूँ, मैंने सोचा मैं क्या चल वो भर लेती हूँ पेपर वगैरह 12th के, दोबारा भरे मैंने पेपर ही नहीं दे पाई। फिर मम्मी की उस टाइम पे तबीयत ख़राब, कह लो जिस टाइम पे पेपरों का टाइम था, तो नहीं दिए मैंने पेपर। फिर मैंने जॉब के लिए इंटरव्यू वगैरह दिया, तो रेनोल्ट के शोरूम में मेरे को जॉब मिल गई। जैसे मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं और बोलने में मैं थोड़ी कॉन्फिडेंट हूँ,
तो वही बोलने के बेसिस पे मेरे को जो है रिसेप्शन पे वहाँ पे रेनोल्ट में जॉब मिल गई थी। और मेरी स्टार्टिंग सैलरी थी 12,000 रुपये। उस टाइम पे बहुत बड़ी लगती थी कि भाई जैसे आप स्टार्ट करते हो ना काम, और वो भी आप जस्ट फ्रेशर ही हो 12th से, मतलब स्कूल पास आउट होने के बाद, तो वो सीन था। ऊपर से फिर भाई रेनोल्ट में मैंने कुछ टाइम जॉब करी और अच्छा खासा था वहाँ पे, मतलब सही गुजारा होने लायक मतलब वो था। और वैसे मेरे को उस टाइम पे इतनी कोई पैसे की वो नहीं थी कि भाई हमें जॉब का पैसा चाहिए है, मम्मी को तो हमारे से कुछ चाहिए ही नहीं था। और आज के टाइम पे भी अगर कहूँ तो हमारे पास, तीनों बहनों के पास हमारा पर्सनल इतना होता है साल का कि हम अपना घर बैठे खर्चा चला सकते हैं, जो हमारा खुद का, जो हमारे पापा और की तरफ से जो हमारी प्रॉपर्टी है ना, तो वो हमारे पे इतनी है कि हमें कुछ ना भी करना पड़े तो भी हमारा खर्चा बहुत साल का मज़े से निकल जाता है। और फिर भाई मम्मी की जो तबीयत थी ऐसे ही रहती थी कई बार, मतलब पूरे साल में जो था 2-3 महीने ऐसे थे बहुत मुश्किल वाले, दिक्कत वाले, कि भाई वो टाइम निकालना भारी था उस टाइम पे जब मम्मी की ज़्यादा मेडिकल हेल्थ, मतलब वो होता था ना माइंड पे ज़्यादा असर हो जाता था उस टाइम पे, तो घर हम छोड़ ही नहीं सकते थे मम्मी को अकेले, 24 घंटे मम्मी के साथ रहना पड़ता था हमें। अगर सो रहे हैं ना तो नींद में भी हमें इतना पैरा रखना पड़ता था कि भाई गेट मतलब खुल ना जाए, कभी मम्मी बाहर चली जाए, तो ये था। पूजा बल्कि उस टाइम पे स्कूल में थी। और फिर क्या हुआ, हाँ पूजा की तो मतलब ऐसी थी 9th-10th में। फिर थोड़े टाइम बाद भाई मतलब मम्मी जब सही हुई नॉर्मल सी, मेरे को, मैंने गुड़गांव में जॉब चालू करी। गुड़गांव में मेरे को हॉस्पिटल में जॉब मिल गई, वो भी बहुत अच्छी जॉब थी। वहाँ पे मेरे को 14,000 सैलरी थी और उसमें रहना खाना मेरा फ्री था, तो वहाँ पे मैंने सबसे ज़्यादा पैसे बचाए थे जब मेरी वो गुड़गांव वाली जॉब लगी थी। मतलब रोहतक वाली में तो ऐसे ही था, खाए उड़ा दिए, अपना ज्वेलरी बना ली, बनवा ली कुछ चीज़ें ऐसे ऐसे, तो वहाँ का इतना ज़्यादा नहीं था, पर ज़्यादा सेविंग मैंने करी थी गुड़गांव में जाके। और फिर वहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम अपना जो घर का टीवी होता है ना एलसीडी, हमारे पे एलसीडी नहीं थी भाई, पुराने मम्मी की पे पुराना वो था टीवी, पुराने टाइम का नहीं होता वो डिब्बा टाइप का, पीछे वो बड़ा सा सिस्टम रहता था जिसमें, तो वो बड़ा टीवी था मम्मी में। फिर भाई मैंने अपनी अपनी सैलरी से एक नई एलसीडी ली घर पे, और बेड गद्दे और मम्मी के लिए गोल्ड की ज्वेलरी भी बनवाई थी, और मम्मी के लिए एक पेंडेंट भी बनवाया था, तो जो चीज़ें खुशी होती थी ना। और वहाँ पे ना एक तिब्बत मार्केट लगती थी उधर गुड़गांव में, वहाँ पे, वहाँ से मैं मम्मी के लिए शॉल वगैरह बहुत अच्छे अच्छे लेके आती थी, पश्मीना के शॉल जो कहते हैं ना, बहुत प्योर कपड़े के, वो वाली चीज़। और छोटा सा फ़ोन उस टाइम पे पता नहीं कहाँ मिला था मेरे को, एक बहुत छोटा सा फ़ोन था, वो वाला फ़ोन मैंने मम्मी को गिफ्ट किया था। और भाई फिर ऐसे ही पता नहीं था कि ये हमारी मम्मी का आखिरी टाइम रहेगा हमारे साथ, तो आखिर में मम्मी उस टाइम पे सडनली चली गई, जो उनकी एज भी नहीं थी जिस टाइम पे मम्मी की डेथ हुई थी, ऐसी थी 43 42 43 की एज थी बस, ज़्यादा एज नहीं थी मम्मी की। और रजनी दीदी को दोनों बच्चे और रखे थे, अक्षित छोटा था ज़्यादा, और चुन्नू ऐसी थी जैसे कन्नू और है, चुन्नू मतलब इतनी बड़ी थी मम्मी के आगे। मम्मी एक्सपायर हुई, फिर मम्मी के एक्सपायर होने के बाद, और मैंने उस टाइम पे मेकअप का भी कोर्स कर रखा था भाई, जैसे मम्मी मेरी सितंबर में एक्सपायर हुई थी, श्राद्धों का टाइम लगा ही लगा था, तो मैंने उस टाइम पे सैलून का काम कर रखा था। प्लस में मैंने ये सोचा हुआ था, जैसे मेरी सेविंग भी थी, मम्मी भी लगा देती मोटा पैसा मेरे पे, कि भाई मैं अपना ना सैलून कर लेती हूँ वहाँ पे। और बस कुछ नहीं पता था कि, और मेरी प्लानिंग थी कि अक्टूबर नवंबर तक ना सैलून का सेटिंग कर लेंगे, तो बस मम्मी एक्सपायर हो गया अचानक से, और फिर कुछ नहीं रहा। और हमारे रोहतक वाले घर जो थे ना एकदम से ताले लग गए उस दिन के बाद। मतलब पूजा तो मम्मी के एक्सपायर होने के बाद 1-2 दिन रही हुई है घर में, क्योंकि जो मौसी है ना रजनी दीदी की सास, वो आ गई थी वहाँ पे रोहतक में हमारे पास, मैं तो रही नहीं, मैं मम्मी के साथ ही थी हॉस्पिटल में, और रजनी दीदी भी। बस पूजा 1-2 दिन घर पे रुकी, और मम्मी जैसे एक्सपायर हुई ना, फिर हमारा सारा सामान अपना वहाँ पे, मतलब घर बिल्कुल बंद कर दिए थे हमने। हमारे रोहतक में 2 घर हैं तो दोनों घरों पे ताले, बल्कि दूसरे पे तो हमारे रेंट वाले थे वहाँ पे, मतलब बस यूं था कि कभी कभी वैसे चले जाते थे एक तरीके से कह लो, जब हम खुद ही नहीं जा रहे वो चीज़ होगी थी। फिर उसके बाद भाई OLX वगैरह पे, मतलब जैसे खुद पर्सनली ना जाके, आपको पता है शहर वगैरह में OLX पे आराम से आपका घर रेंट पे चला जाता है, तो वो चीज़ हमने अपना रेंट पे डाल दिया था, तो वो बाहर के बाहर रेंट पे भी चला गया, गांव में भी हमारे घर थे। और
हम गांव में मतलब जो सामान था ना रोहतक से, वो उठा के हमने गांव में रख दिया था अपना सारा का सारा घर का सामान। और हमारी वो थी मम्मी के बछड़ी थी, मम्मी ने एक बछड़ी पाली थी, वो ब्याहने वाली थी थोड़े ही टाइम में, 2-3 महीने के बाद मम्मी के एक्सपायर होने के। तो वो हमने अपने ताऊ और को दे दी थी, जो मेरे ताऊ हैं बड़े, मतलब ताऊ तो एक्सपायर हो रखे हैं, ताई जी हैं। तो गांव में एक रहते हैं, एक मतलब एक भैया और दादा रहते हैं, दूसरे जो हैं वो रोहतक में ही रहते हैं। तो फिर भैया हमारा गांव में तो आना जाना इतना रहा नहीं। उसके बाद फिर शादी वादी करा ली, माँ के घर आ गए थे जैसे सोनीपत में। फिर वापस से हम मम्मी के एक्सपायर होने के बाद सोनीपत आ गए, मैं और पूजा। फिर हमने क्या है कि भाई कि और क्या करें, अब शादी वादी की होगी थी बात कि भाई शादी कर लेते हैं। तो मेरी और पूजा की मम्मी के एक्सपायर होने के बाद दोनों की हमने अपनी शादी करा ली कि भाई चलो ठीक रहेगा, अपना घर बसाएंगे, अपनी फैमिली होगी। तो जो मैंने पहले भी बताया था कि हमारी जो सास है, मेरी सास, वो हमारे रिलेशन में है, मतलब राजेंद्र की मामी और मेरी मामी जो है दोनों सगी बहनें हैं, हम दोनों के ननंद के बच्चे हुए, मतलब उधर से मेरी मतलब मामी की, मैं ननंद की लड़की, और यहाँ भी ये ननंद का लड़का हो गया। तो भाई हमारी शादी होगी, शादी के बाद भाई जैसे नॉर्मली होता है कि भाई अपना बच्चा बच्चा प्लान, और हमें भी ऐसा कुछ था नहीं खास। तो मैंने भी एक बच्चा अपना था उस टाइम पे, वो भी बस उसका शायद आना नहीं था इस दुनिया में। तो 7 महीने बाद उसका भी सफ़र ख़त्म हो गया इस दुनिया से। 7 महीने बाद डिलीवरी हुई और वो बच्चा चला गया हमारे बीच से। फिर थोड़े सा मतलब अगर उस टाइम पे वो बच्चा रहता शायद, तो कन्नू इतनी जल्दी ना होती। और वैसे मेरे को है कि मेरे पे 2-3 बच्चे होने चाहिए, जैसे हम थे ना कभी भी बचपन से, हम सारे तीनों बहनें अलग अलग रही, मैं और रजनी तो थे साथ में, पर फिर हमारी इतनी बॉन्डिंग नहीं बनी। जैसे वो बाद में आई ना तो हम थोड़ा बहुत लड़ते झगड़ते रहते थे, और पूजा हॉस्टल में थी। तो दूर रहने का जो होता है ना कि भाई अपना सगा होते हुए भी आप अपने खून से दूर हो, वो चीज़ फील करता है बंदा। तो वही था कि भाई हम, हमारे पे सब चीज़ थी, कोई पैसे वैसे की कमी नहीं थी, कुछ नहीं था, पर वो था ना कि भाई घर परिवार से दूर और अपनों से दूर बंदा। तो वो दूरी हमने बहुत महसूस करी हुई है। फिर भाई फिर थोड़े टाइम बाद फिर कन्नू हो गई मेरी शादी के, मेरी शादी हुई थी 2015 में, अब 10वां साल लग गया मेरी शादी को, 9 साल हो चुके हैं पूरे। तो भाई 2.5 साल बाद कन्नू हुई थी मेरी शादी के, टोटल लगा लो आप, क्योंकि बीच में एक बच्चा भी जा चुका था। और फिर कन्नू अब आपके सामने ही है, और एक दो अभी सोचे हम भाई बच्चा करने की, तो अभी उसको थोड़ा सोच रहे हैं 1 साल बाद करें भाई, पहले अपना कुछ काम वाम सेट करेंगे इस बारी। क्योंकि कन्नू के साथ क्या इशू हुआ था भाई, मेरे घर पे ही बोल दिया था कि भाई बच्चा कर ले हम पाल लेंगे, पर हमें नहीं पता था जैसे औरों के भी सबके दादा दादी हैं, और इवन मेरी मम्मी मामी जो है ना सोनीपत में, उन्होंने अपने पोता पोती खुद पाले हैं सारे, दोनों बहुओं के अपने, और इतने बड़े बड़े कर दिया आज तक भी। पर मेरी सास यहाँ कोई से बच्चे को हाथ नहीं लगाती, चाहे मेरी गुड़िया हो चाहे प्रियांशु हो, दोनों में से औरों की दादियां हैं भाई, लड़की है तो बाल भी बना देती है मेरी सास, मतलब यूँ तो ड्रामे कर सकती है रो दो के हाँ हम कहीं चले जाएं कि भाई मुझे याद आ रही है ये वो, पर वैसे नहीं रखती है कि भाई जैसे दादी मोह करती है ना। तो मेरी सास को इतना खास, अपनी जिसको अपनी खुद की औलाद को का मोह ना हो वो दूसरे का क्या करेगा, ये चीज़ मेरे को लगती है। तो वो नहीं इतना करती कुछ खास, बस ड्रामे तो कर सकती है। और तो कुल मिला के उन्होंने रखा नहीं, मैं बीच में सोच रही थी कि भाई कुछ काम वगैरह सेट करने की, तो कि भी उन्होंने यूं ही कह दिया अपने आप देख, और फिर अकेला बच्चा नहीं छोड़ा जाता कहीं पे भी। यहाँ पे रह के मैं अकेले कर नहीं पा रही थी, मैंने राजेंद्र को भी बोली कि चल रजनी और के पास कुछ काम कर लेते हैं, वो उस चीज़ पे एग्री नहीं हुए। अब भी मैं सोच रही हूँ कि भाई इकट्ठे में, या तो इकट्ठे, पता है हम ये सोच रहे थे एक जगह इकट्ठे बंदे तीनों जने काम करें ना अच्छा काम हो जाता, पर राजेंद्र इस चीज़ पर एग्री नहीं करते, और इनका स्वभाव भी थोड़ा लड़ाकिया सा है। और बस यही है, हमारे पे अपना पैसा है, हर चीज़ है, और जैसे मेरी यहाँ पे शादी हुई, खर्चा वर्चा राजेंद्र ही देते हैं यहाँ पे कोई भी चीज़, और मैं इनके घर में जब रहती हूँ, यहाँ पे रहती हूँ मतलब, तो मैं अपना पैसा ये नहीं दिखाती कि शो ऑफ करना होता है मेरे को कि भाई मेरे पे अपना पैसा है, मैं अपने पैसे से ये कर लूँगी। हाँ मेरे को जो सामान चीज़ चाहिए होती है मैं अपने लिए मंगा लेती हूँ, पर मैं एक्स्ट्रा नहीं उड़ाती हूँ। तो हम जो है अपने बजट के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, और इवन जो हमने पीलिया भी दिया है ना दीदी का, तो वो मैंने और पूजा ने अपने खुद के पर्सनल पैसे से दिया है, जो हमारा हमारे मायके से है हमारे पे।
तो उसके लिए हमने ना तो अपने ससुराल में से किसी से 1 रुपया भी मांगा है कि भाई हस्बैंड से मांगे हों या सास ससुर से, तो किसी से भी हमने एक पैसे की चीज़ नहीं ली है, ना कोई कपड़ा लत्ता लिया है इनसे, हर चीज़ हमने खुद करके दी है। और यही है भाई, जो भी है हम अपने में ही संतुष्ट हैं। बल्कि मेरा है ना खुद का पीलिया, मेरी सास ने आने नहीं दिया था। मेरी पीलिया मतलब जैसे रजनी दीदी ने बोला था ना, गुड़िया हुई थी, कि पीलिया लेके आएंगे हम, क्या क्या मतलब चाहिए तेरे को, सूट वगैरह मतलब, या क्या साड़ी या क्या लेगी, मतलब कपड़े ड्रेस वगैरह तू मतलब क्या पहनतीगी। तो मैंने बोला भाई भाई वो पीलिया वगैरह लेके आएंगे, तो मेरी सास पता आगे से क्या बोली, मुंह फुला के, अपने रुपया का देगी, रहने दे, अपने एक होवेगी, दिखावा करेगी वो। तो मैं क्या, अगर वो बंदी अगर मेरे अभी फेस पे ऐसे बोल रही है, कल को 4 आदमी आएंगे भी उनके साथ, कोई आ रहा है अपने घर से, तो पता नहीं कितनों के आगे बेइज्जती कर दे। और कितना बुरा लगता है कोई अपना खर्चा करे और उसको आगे से, वो अपने ही पैसे लगा रहा बंदा, पर फिर भी उसको पता है क्या कहेंगे, ना ना इसने दिए होंगे, ये तो बस दिखाने ते आ रखे हैं भाई, हम देवे हैं। और आज तक भाई मेरा वो है कि शादी के बाद का रिकॉर्ड रजनी ने हमें दिया ही है, और एक हमारी मामा वाली है, वो भी हमारी बड़ी बहन है, उसने भी हमें दिया ही होगा। कभी हमसे यूँ नहीं है कि 2 पैसों की डिमांड की हमें दे दे, हमें इस टाइप से कभी नहीं। और ये पीलिया भी जो हमने दिया है ना रजनी दीदी को, लड़ लड़ के दिया था उन्होंने, बल्कि बिल्कुल मना कर दी थी, मैं कुछ नहीं लूंगी, जो भी तुम्हें देना है ना गुड़िया को दे सकते हो। मैं कह नहीं, हम तो देंगे, हम तो देंगे। बोली ना तुम छोटी हो, कोई ज़रूरत नहीं है देने की। बहुत लड़ाई करी हमने, 15-20 दिन जो है ना पीली मतलब वो जो जाप्पे में थे हम रजनी दीदी का, जैसे वही घर पे थे, तो बस 15-20 दिन हमारी यही झगड़ा चलता रहा, वो मान नहीं रही थी। तो मैंने भी बोला कि कल को फिर मेरा बच्चा होएगा ना, मैं तेरे से एक कपड़ा नहीं लूंगी। और खूब लड़ाई करी, पूजा ने भी मना कर दी मैं भी नहीं लेने की, तो वो बोली चल ठीक है। तो क्योंकि भाई हमारे आगे वाणे हैं, मेरे मैंने भी बच्चा पैदा करना है, पूजा ने भी करना है, तो दीदी तो हमें वैसे भी देंगी। और इस बारी तो ऐसा था कि भाई मैं अपने ससुराल के घर में मतलब यहाँ पे हूँ, और जब मेरा दूसरा बच्चा होगा, मैंने पहले ही बोल रखा है राजेंद्र को इस चीज़ को, या तो मेरा अलग घर बनवा लो अपना मतलब जैसे यहाँ पे, या फिर मतलब जहाँ हम काम वाम सेट करेंगे अलग रहेंगे, तब मैं हर चीज़ अपनी हर खुशी मनाया करूँगी। ये नहीं है कि भाई मेरे को कि हम अपनी खुशी मना रहे हैं और 2 बंदे मुंह फुलाए बैठे हैं, जो ज़्यादा मुंह फुलाने वाले हैं ना। इस बारी हमने ऐसा बायकॉट कर रखा है कसम से, कि भाई जिनको होती है ना आदत कि भाई कोई चीज़ को देख के जलना है, भाई तुम जल रहे हो तो तुम हमारे आने ही छोड़ दो उस चीज़ में, अगर तुम्हें उस चीज़ की खुशी नहीं है तो मत देखो मत आओ। अगर फॉर फ्यूचर अगर मेरी सास का यही रवैया रहा ना, भाई मैं यहाँ पे हूँ, तो उस चीज़ में मैं अपनी सास को उस फंक्शन में भी नहीं बुलाऊंगी कि मत आओ आप, अगर नहीं आना है ना तो मुंह ही फुलाना है और दूसरे की बेइज्जती करनी है तो रहने दो। क्योंकि ऐसे में जब वो होता है ना कि खुशी का काम है, और 2 बंदे ऐसे भाई जड़े बुने फिरते रहे, तो इससे बढ़िया उनको ना ही बुलाओ, तुम्हें जलना अपने घर में बैठ के जल लो, रो लो, जो करना है कर लो। क्योंकि ऐसे बंदे ना तो खुद खुश रहते हैं ना दूसरे को रहने देते हैं। उनकी सबसे बड़ी कमी यही होती है कि ना तो उन्होंने खुद खुश होना किसी भी चीज़ को लेके, और वो दूसरों को और सोचते हैं कैसे उनकी बेइज्जती करें, ह्यूमिलेट करके उनको ऐसे फील कराए, नीचा फील कराना। तो ऐसे बंदों को मेरे को लगता है ज़्यादा नेगेटिविटी। कई बार मैं मनप्रीत को देखती हूँ, वो भी ऐसे ही हो जाती है, वो ज़्यादा अपनी भाई सारा टाइम मेरी सास के पास रहती है, शायद इस करके उसका नेचर ऐसा है। पर मैं उसको बहुत बोलती हूँ कि भाई तू इतनी नेगेटिव सी होने लग गई है, थोड़ा पॉजिटिविटी ला और ऐसे मत बोला कर, अच्छे से थोड़ा खुश होकर रह कर। पता है वो क्या करेगी, उसकी सबसे गंदी आदत लगती है मेरे को, अगर कहीं जाना है हम कहेंगे चल वहाँ चलेंगे, नहीं मैं नहीं जा रही, और ना कह दी तो उस बंदी वो हाँ नहीं करेगी बिल्कुल भी। कहीं शादी ब्याह का नाम हो, मैं नहीं जाऊँगी मैं नहीं जाऊँगी। मैं क्या, हर चीज़ में तू ना मत किया कर, पहले बोल दिया कर, हाँ देखेंगे उस टाइम पे क्या सीन रहेगा। भाई जब सास नहीं मना करती है तो और जाने की जगह तो जाना पड़ेगा, रिश्तेदारियों में हम नहीं जाएंगे तो कल हमारे घर को कौन आएगा, कोई नहीं आएगा फिर उस केस में। और हर जगह ऐसे मुंह फुला के बैठ जाना गलत होता है, और किसी की भाई खुशी होती है ना तो भाई मेरे को लगता है जाना चाहिए, खुशी का मौका हो। और मैं तो गम में भी सोचती हूँ, अगर भाई किसी के गमी हो तो मैं पर्सनली तो जाती हूँ, औरों को मेरे को नहीं पता है, अगर हो पाता है तो मैं चली जाती हूँ, बाकी ये ना जाने दे तो चीज़ अलग है। अभी जैसे हमारे ना परिवार में एक अम्मा जी लगती है हमारी, वो एक्सपायर हो गई थी, मतलब ज़्यादा एज नहीं थी, बच्चे उनके ऐसे ही थे जैसे 22-23 साल के, और दोनों बच्चे उनके बाहर जा रखे इंग्लैंड, बेटी तो शादी करके गई और बेटा वैसे स्टडी बेस पे गया है। और उनको हम दीदी बोलते थे, मतलब ज़्यादा एज नहीं थी ना, जैसे बहुत अच्छी तरह मतलब होता है ना कि भाई अच्छी तरीके से रहना, ना ज़्यादा भाई
खुद मतलब एज में इतनी एज तो थी नहीं, खैर उनकी भी ऐसी एज थी जैसी मेरी मम्मी जिस एज में गई थी, तो उनको भी कोई दिक्कत हुई, वो भी बेचारी चली गई। पर यही है कि भाई लाइफ का कुछ नहीं पता। और मैंने जैसे सबसे पूछा यहाँ पे अपनी जैसे देवरानी जिठानियों से, मैं कि तुम चल रही हो, बोली ना मम्मी और जा रही है। तो वो दीदी बल्कि जब पार्टी मतलब ये अम्मा हमारी जो पार्टी वार्टी करती थी ना कई बारी, जैसे तीज का फंक्शन हो हमें सबको बुलाती थी, मैं कह रही थी भाई वैसे तो हम जाते रहते थे, हमें जाना चाहिए, फिर कोई नहीं गई, बहू खास तौर पे नहीं गई कि भाई उनकी सास जा रही है, पर मेरा दिल था तो मैं गई। और वो कहते ना अंतिम दर्शन हो किसी के, कोई किसी का कुछ नहीं लेके जाता, खाते पीते तो सब है देखो नॉर्मली भाई जैसे खुशी में जा रहे हैं, पर मेरे को लगता है कि अगर कोई आखिरी टाइम पे अगर दर्शन भी करने का किसी का मिल जाए ना तो भी बहुत बड़ी बात है। और इतना अच्छा नेचर था ना उनका, तो बहुत बढ़िया था, मेरी मम्मी की तरह थी। तो ऐसे टाइम पे ना मतलब मन भर जाता है, मतलब वो कहते हैं ना आंखें और दिल भर जाना, वो चीज़ अच्छी सी नहीं लगती कि भाई इतनी जल्दी चली गई, उनकी कोई एज भी नहीं थी जिस टाइम पे जाने की। यही है यार, मतलब कुल मिला के ना मेरे को ये लगता है कि बंदे को कुछ भी सिचुएशन हो खुश रहना चाहिए, क्योंकि हंसना खुशी और यही इस चीज़ है ज़िंदगी में, रोना धोना भी लगे रहता है, अगर गम का टाइम है तो रो, खूब रो लो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब दुख ही होना है तो एक टाइम हो के दुख हो के रो लो छक छक के, पर हर टाइम मत रो, नॉर्मली बंदे को खुश रहना चाहिए। मेरे को पॉजिटिविटी, मेरे को यही रहता है।